नमस्कार, मैं हुशवानी धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी और कई खाद्य वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में लाए जाने के खिलाफ शुक्रवार को प्रदर्शन किया, जिसके बाद पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी से ईडी लगातार पड़ताल कर रही है। आज दोनों को कोलकाता में ईएसआई अस्पताल मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया। कल कुछ समय के लिए पार्थ और अर्पिता को आमने सामने बैठा कर पूछताछ की गई थी। यहां पार्थ चटर्जी ने अर्पिता को पहचानने से ही इनकार कर दिया। बंगाल भाजपा के सीनियर नेता रहे तथागत रॉय ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी को सलाह दी है कि उन्हें जनता को यह समझाना चाहिए कि उनकी ममता बनर्जी से कोई सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने इस दौरान कहा कि बीजेपी हमारा चैलेंज स्वीकार करे और राज्य में अकेले चुनाव लड़कर दिखाए। इस बयान के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। अगर आपको गलत क्रेडिट स्कोर के कारण लोन मिलने में परेशानी हो रही है और आपकी शिकायत क्रेडिट स्कोर ब्यूरो नहीं सुन रहा है, तो आप इसकी शिकायत भारतीय रिजर्व बैंक से जल्द कर पाएंगे। क्रेडिट स्कोर ब्यूरो के खिलाफ शिकायतों के लिए जल्द आरबीआई की निगरानी वाला शिकायत निवारण तंत्र काम करना शुरू होगा। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बताया कि कोसी नदी के घटते बढ़ते जल स्तर के बीच नदी का कई जगह दबाव उत्पन्न हुआ है, जिसे आवश्यकता अनुसार ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोसी नदी का डिस्चार्ज पहले से घट रहा है। एक चीनी अंतरिक्ष और उपग्रह जासूसी जहाज युआन वांग 5 भारतीय नौसेना की गंभीर आपत्तियों के बावजूद 11 अगस्त को श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह की ओर बढ़ रहा है। चीनी अधिकारियों ने बताया कि यह एक शोध और सर्वेक्षण पोत है। बिहार में एक ट्रेन रास्ता भूल गई, बड़ौनी से समस्तीपुर के लिए चली अमरनाथ एक्सप्रेस समस्तीपुर की जगह विद्यापति नगर पहुंच गई। गुवाहाटी से जम्मू तवी जा रही 1563 अब अमरनाथ एक्सप्रेस बड़ौनी से चली थी। इस मामले में लापरवाही को लेकर बछवाड़ा स्टेशन के 2 ASM को निलंबित कर दिया है। धार्मिक और चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा चलाए जाने वाले सराय जहां लोग ठहरते हैं, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है कि किराए के बावजूद धार्मिक और चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा चलाए जाने वाले सरायों पर जीएसटी नहीं देना होगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर पटना के प्रेमचंद रंगशाला में भव्य साहित्य एवं काव्य संगोष्ठी का आयोजन हुआ। बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन की पत्नी प्रतिष्ठित लेखिका और कवित्री रेनू हुसैन काव्य संगोष्ठी में छाई रही। आज़ादी के अमृत महोत्सव को समर्पित राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत उनकी कविताओं पर दर्शकों ने खूब तालियां बजाकर उनकी हौसला अफजाई की। केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर विरोधी दल के नेताओं को निशाना बनाए जाने के विपक्ष के आरोपों के मद्देनजर राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने शुक्रवार को कहा कि उच्च सदन के सदस्यों को सिविल मामलों में जरूर कुछ विशेषाधिकार मिले हुए हैं, लेकिन आपराधिक मामलों में उनके पास कोई विशेषाधिकार नहीं है। अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की वेबसाइट पर भारत का गलत नक्शा दिखाया जा रहा है। इसमें जम्मू कश्मीर का उत्तरी भाग, जिसमें गिलगिट, अस्कर्दू, हुंजा वैली, नंगा पर्वत, नानतार वैली आदि आते हैं, वो पाकिस्तान में दिखाया गया है। इतना ही नहीं, CDC पर दिखाए जा रहे इस नक्शे में लद्दाख के कुछ पूर्वी भाग को चीन में दिखाया गया है। ग्वालियर नगर निगम में सभापति पद पर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति और बाड़ेबंदी काम आ गई है। बीजेपी ने सभापति के पद पर जीत हासिल कर ली है। बीजेपी के प्रत्याशी मनोज तोमर 34 वोट मिले हैं, तो वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार लक्ष्मी गुर्जर को 33 वोट मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए शुक्रवार को उन पर चुनावों में कांग्रेस की लगातार हार और उनके खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच का ठिकरा भारतीय लोकतंत्र और उसकी संस्थाओं पर फोड़ने का आरोप लगाया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना को लेकर अपडेट जारी किया है। मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटे में देशभर में वायरस के 20,551 मामले सामने आए हैं। इस दौरान 70 लोगों की जान भी गई है। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिजीत मुहूर्त में श्री राम जन्मभूमि में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन करने के साथ ही शिलान्यास किया था। राम जन्मभूमि परिसर में भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। जानकारी के मुताबिक गर्भगृह पर तराशे गए पत्थरों से बन रहा परिक्रमा पथ का नाम 30% तक पूरा हो चुका है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 6 अगस्त यानी कल वोटिंग होगी। एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ की टक्कर विपक्ष की मार्गरेट अलवा से है। बीजेपी संसदीय दल ने सभी सांसदों को आज शाम चाय पर बुलाया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस दौरान मौजूद रहेंगे।
मेक इन इंडिया के तहत भारत में बन रहे हथियारों, विमानों, मिसाइलों की धाक अब पूरी दुनिया मान रही है। अब उन खबर यह आई है कि फिलीपींस, वियतनाम के बाद अब म्यांमार भी ब्रह्मोस मिसाइल का एंटी शिप वेरिएंट खरीद सकता है। यह जानकारी रूस की समाचार एजेंसी TASS के हवाले से डिफेंस डिकोड नाम ट्विटर हैंडल ने शेयर की है। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप पर भी अब आपको कैब बुक करने की सुविधा दी जाएगी। व्हाट्सएप पर अब उबर राइड को बुक किया जा सकता है। कैब कंपनी उबर जल्द ही इस नए ऑप्शन को व्हाट्सएप के लिए रोल आउट करने वाली है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने लोकसभा को बताया है कि देशों में उड़ान भरने के लिए विमान के जीवन को निर्दिष्ट करने के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा निर्धारित कोई दिशानिर्देश नहीं है। भारत में विमान तब तक उड़ान भर सकते हैं जब तक कि उनके प्रकार के लिए उनका प्रमाण पत्र वैध ना हो और वे अपने निर्माता द्वारा उत्पादन सहायता के अधीन हो। केंद्र सरकार ने देश भर में हर घर तिरंगा योजना को भी शुरू किया है। तिरंगा पर कुछ भी लिखना या डिजाइन बनाना गैर कानूनी है। किसी भी बिल्डिंग या सामान को ढकने के लिए तिरंगे का प्रयोग वर्जित है। तिरंगा फहराते वक्त यह भी ध्यान रखना चाहिए कि तिरंगा किसी भी हाल में जमीन को ना छुए। जो भी झंडा हम फहरा रहे हैं उसका आकार 3:2 का होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान को सांस लेने में तकलीफ और निमोनिया की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मौके पर सपा के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उनसे मिलने मेदांता अस्पताल पहुंच गए और उनकी सेहत का हालचाल जाना। स्टेट टीचर अवार्ड राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया 13 अगस्त तक चलेगी। आवेदन करने वाले शिक्षकों को अपने समस्त अभिलेख एवं उत्कृष्ट कार्यों का विवरण ऑनलाइन अपलोड करना होगा। उपलब्धियों का 5 मिनट का वीडियो बनाकर भी अपलोड करना होगा। पंजाब नेशनल बैंक ने ऑफिसर और मैनेजर के पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे PNB की आधिकारिक वेबसाइट PNBIndia.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। भारत में साल 2020 में कोरोना के लंबे समय तक लगे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बावजूद 32.79 लाख से अधिक विदेशियों ने भारत यात्रा की थी। वर्ष 2020 में वीजा की अवधि खत्म होने के बाद 40,000 से अधिक विदेशी देश में रुके थे। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि केवल साल के अंदर भारत में अमेरिका जैसी सड़कें होंगी। साथ ही ये भी वादा किया है कि अगले 3 साल में देश को 26 ग्रीन एक्सप्रेसवे मिल जाएगा। महाराष्ट्र के पुणे में एक स्टार्टअप ने देश का पहला यात्री ड्रोन वरुण बनाया है। इस खास ड्रोन को भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया गया है। इस ड्रोन की सबसे खास बात यह है कि पायलट रहित ड्रोन 130 किलोग्राम तक का पेलोड कर सकता है। लॉगिन करने में असमर्थ होने की रिपोर्ट के बाद पेटीएम ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि ऐप में नेटवर्क एरर है। अब खबरें आ रही हैं कि पेटीएम में आ रही समस्या का कंपनी ने समाधान कर लिया और यूजर्स तक इस बात को सोशल मीडिया ऐप ट्विटर के जरिए पहुँचा दी है। देश में मंकी पॉक्स खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हर दिन मंकी पॉक्स के मामले देश में सामने आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने महामारी से बचने के लिए क्या करें और क्या ना करें से संबंधित एक सूची जारी की है। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस आज देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम सांसद शुक्रवार को काली कपड़े पहनकर संसद भवन पहुंचे। कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन पर कटाक्ष करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि काले कारनामे वाले लोग काले कपड़े पहनकर घूमे तो कोई बहुत आश्चर्य नहीं होता है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है सुरेंद्र पंडित, राजकुमार प्रसाद, भान प्रकाश मौर्य, दीपक कुमार, जितेंद्र ठाकुर, बासुकी पंजियारा और राज रंजन सिंह। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपको क्या लगता है भारत में 2 साल में अमेरिका जैसे सड़कें बनने का नितिन गडकरी का दावा क्या पूरा हो पाएगा? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।